हेलो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग मैंगो ओट्स की स्मूदी की रेसिपी। इस स्मूदी का एक गिलास आपके पेट को काफ़ी देर तक फुल रखेगा। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच प्लेन ओट्स को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में फूलने रख दिया था। और यहाँ मैं एक पका हुआ आम ले रही हूँ, इसके सारे पल्प को मैं निकाल लूँगी। दोस्तों, इस स्मूदी का एक गिलास अगर ब्रेकफास्ट में लेते हैं ना, तो आपको 2 से 3 घंटे के लिए किसी और चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस स्मूदी के लिए कोई सा भी पका हुआ आम ले लेना है और उसके सारे पल्प को निकाल लेना है। तो मैंने सारे पल्प को ना निकाल लिया है। उसके बाद अब चलेंगे दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है, उसमें मैं डाल दूंगी सोक किया हुआ ओट्स। ओट्स को मैंने पानी में ही सोक किया था, चाहे तो आप दूध में भी सोक कर सकते हैं। अब मैं आम के पल्प को इसमें डाल दूंगी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी। चीनी मैंने 2 छोटा चम्मच यूज़ किया है। अगर आप स्किप करना चाहें शुगर को तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आम ऑलरेडी मीठी होती है। तो मैंने इसमें थोड़ा दूध डाल दिया है और ये मैं डाल रही हूँ ढेर सारे आइस क्यूब्स। फिर इसे ब्लेंड करके बहुत स्मूथ सा स्मूदी बना लेना है। इसे कम से कम 1 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद चलिए ग्लास में सर्व करते हैं। तो मैंने थोड़े ही आइस क्यूब लिया है इसमें, फिर मैं इसे ग्लास में सर्व कर रही हूँ। दोस्तों, ये स्मूदी ना बहुत ही जल्दी बन जाती है। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो आप अगर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी और टेस्टी सा लेना चाहते हैं, तो इस स्मूदी को एक बार आप जरूर ट्राई करें। क्योंकि ओट्स होने की वजह से ये काफ़ी हेल्दी है और इसमें मैंगो होने की वजह से ये काफ़ी टेस्टी भी है। तो आप टेस्टी और यमी सी मैंगो वाली ओट्स स्मूदी को जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये हेल्दी सी रेसिपी पसंद आई ना, तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।